हाय हाय गाइस, गाइस। तो आज ना हमने इतना इंटरेस्टिंग मजे का ना ये चीजी चीटो सैंडविच बनाया है। तो यार तुम लोगों को कौन सा चीटोस पसंद है? फ्लेमिंग हॉट के चीज? वैसे अगर तुम लोगों को फ्लेमिंग हॉट पसंद है ना तो फायर इमोजी बनाना नीचे नहीं कमेंट्स में। नहीं रेड हार्ट बनाना नहीं फेवरेट है नहीं हार्ट। फायर खुद डिसाइड कर लो तुम लोग क्या बनाओगे। तो गाइस पता है मैंने ना ब्रेड ली थी ना, उसके एजेस उतार दिए और ना उसको ना बेलन से बेल दिया, ऐसे अगर बिल्डोजर चला दिया उसमें बिल्डोजर ठीक है, तुमने हाथ से क्यों नहीं फ्लैट करी। वो ऐसे ही करते हैं, मैंने हर वीडियो में देखा है। तो उसके बाद ना मैंने मियोनीस लगाई और फिर ऊपर सलामी रख दी और चीज मेरी फेवरेट फिर वो भी रख दी। लेकिन एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी थी कि गाइस जस्ट बिकॉज मेयोनीज लगाया था ना तो उस पे पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखो ये कितने अच्छे से स्टिक हो गया है ना। ना, ऐसे लग रहा है छोटा सा ब्रेड नगेट बन गया। हाँ ब्रेड पकोड़ा हाँ, मतलब तो उसके बाद ना मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर बनाया और ब्रेड को उसमें डिबो दिया। ब्रेड को इसमें नहला के ना चीटों से कपड़े पहना दो और फिर ना इसको डीप फ्राई कर लो। है यार ये रेड कलर ओह कितना अच्छा लग ना, ये कितना रेड है ना, ये बहुत टेस्टी था। रहा है यार। और ना उसकी चीज देखो कितने अच्छे से मेल्ट हुई अभी है। देखो ये कैसे ऐसे बाहर आ रही है ना, ऐसे लग रहा है किसी रेस्टोरेंट का सैंडविच है हाँ, और कलर बहुत अच्छा है रेड कलर का ना। तो बताइए, ये सिर्फ टेस्टी नहीं था, ये बहुत क्रंची भी था। यार इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है फिर से खाने का दिल चाह रहा है। यार अगर मैं कहती हूँ हर किसी को ना एक दफा तो ये सैंडविच ट्राई करना चाहिए। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब टेक केयर टेडी बेयर। कटोगो पोलर बेयर।